ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज यहाँ ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में पटना में जन जागरूकता अभियान के तहत ईवीएम और वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र खोला है। आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के जरिए ज्यादा से ज्यादा सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत में चुनाव त्योहार के रूप में प्रक्रिया किया जाता है। पटना जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बैलेट पेपर केवल डमी प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी यहां के कर्मी या आम लोग आकर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसकी असल प्रक्रिया को समझा जा सकता है। ऐसे में आमजनों के बीच जो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर अफवाह फैलाया जाता है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता भली भांति परिचित होंगे। आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन द्वारा ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शनी भी किया जाएगा। ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज यहाँ ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर ईवीएम प्रदर्शन केंद्र जो है स्थापित किया है जिला स्तर पर और प्रत्येक अनुमंडल में स्थापित किया जाना है और यहाँ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। ईवीएम का बिल्कुल लाइव जो है प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बैलेट पेपर जो उसमें रहेगा वो डमी रहेगा और यहाँ कोई भी व्यक्ति हमारे कर्मी हों या अन्य आम लोग हों यहाँ आ करके देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और मुख्य रूप से जो वीवीपैट हमारा लगा है जिसमें कि आप बैलेट यूनिट से जिसको वोट दे रहे हैं वीवीपैट में उस एक पर्ची निकलती है दिखती है 7 सेकंड तक वो रहती है जिसको आप देख सकते हैं जिसको आपने वोट दिया वही पर्ची निकल रही है उसी को वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसको आप देख सकते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है और हम लोग सभी अनुमंडल मुख्यालय में इस प्रकार के ईवीएम प्रदर्शन केंद्र को स्थापित कर रहे हैं जहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच में ईवीएम को लेकर के जागरूकता को बढ़ाना और उसका जो फंक्शनिंग है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, लोग जाने समझें और आगे उसका मतदान केंद्र पर उपयोग करें। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।